अभी हम लोग जो है एक फार्म हाउस आए हैं, इस फार्म हाउस का टोटल कितना एक्सपेंस आया है, खाने पीने का कितना खर्चा आ जाता है। हमने ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 7-8 किलो जो है वो चिकन ली है। हेलो वेलकम बैक, स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम मस्कत ओमान से। भाई आप लोगों को पता है ओमान की लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो गर्मी रहती है। सर्दियों के दिन तो जो है आप समझ रहे हैं 3 to 4 months होते हैं जो सर्दियाँ होती हैं, बाकी अदरवाइज जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है गर्मियाँ ही रहती हैं। मार्च के बाद से लेके जो है दिसंबर तक चलती रहती हैं, मगर ये अक्टूबर नवंबर में फिर भी वेदर कुछ बेहतर होता है, मगर जो है वो मई जून के अंदर तो आप ये कह रहे हैं आउटडोर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। इस वक्त भी टेम्परेचर जो है वो 42 है और इस वक्त हम लोग आए हुए हैं फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने, क्योंकि जब गर्मियां ज़्यादा होती हैं आप जाहिर सी बात है पार्कों में नहीं जा सकते, आप जो है बीचेस में नहीं जा सकते, ओपन प्लेस एरिया में नहीं जा सकते। तो फैमिलीज़ क्या करती हैं, कभी कभार जाहिर पाते घर के अंदर आप पार्टी वगैरह रखती हैं, शाम में लोग आ जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। जाहिर पाते घर जो है वो घर ही होता है, छोटा होता है, फिर उसके अंदर गर्मी होती है तो फिर वो खाना पकाना इतने लोगों के लिए है, फिर इंतजाम वगैरह करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, क्या लोग ज़्यादातर करते हैं जिसकी वजह से जो वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लें बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, थोड़ी फैमिली की भी आउटिंग हो जाती है क्योंकि हर वक्त घर में रहता है, जॉब पर जाते हैं, अपनी कंट्री से दूर आए हुए होते हैं, फैमिली का जो है वो आप ये कह लेंगे रिश्तेदारियाँ भी कम होती हैं। बहुत सारे लोगों की हैं मगर ज़्यादातर लोगों की नहीं होती, जॉब कर करके थोड़ा थक जाते हैं, तो हर वीकेंड के ऊपर तो नहीं जा सकते। तो अभी हम लोग जो है एक फार्म हाउस आए हैं, इस फार्म हाउस का टोटल कितना एक्सपेंस आया है, खाने पीने का कितना खर्चा आ जाता है, फार्म हाउस का कितना खर्चा है, कितना बड़ा फार्म हाउस है, क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या शॉपिंग हमने की है, वो सारा 1 to Z जो है मैं आपके साथ आज इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करूँगा। सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पर गूगल मैप ने भी जो है ना एक दो जगह जो है मिस्टेक करी और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था हमें कि जो है हम वापस घर चलते हैं भाई, पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो रास्ता था। खैर एट द एंड फिर भी हम थोड़ी सी हिम्मत करी, वो रास्ते टेढ़े मेढ़े जिस तरीके से भी पहुँचते हुए हम लोग पहुँच गए। रास्ता कैसा रहा था? बिल्कुल बहुत बेकार था रास्ता, तो बहुत डेंजरस था, बहुत टेंशन हो रही थी कि भाई बैठें या वापस चलें। ये भाई देखो रास्ते के ये बना दे, यहाँ पर जो है ऑल दो इसी तरीके से जो है पहाड़ियाँ होती हैं, और अगर नॉर्मल डेज होते हैं तो लोग क्या करते हैं यहाँ पर आके इस तरीके से पहाड़ियों की साइड के ऊपर जो है शाम के ऊपर, दिन के अंदर तो फिर भी नहीं बैठ सकते, शाम में जब सर्दियों के दिन होते हैं या 2-3 बजे के बाद इस तरीके से पहाड़ियों के साइडों में आके बैठ जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने साथ चीज़ें वगैरह जो लाते हैं इधर ही बैठ के इंजॉय करते हैं। तो मगर अब जाहिर बात है समर चल रहा है, गर्मियों के दिन जो है टेम्परेचर जो है इस वक्त 40-42 चल रहा है, तो यहाँ पर रुकना नामुमकिन सी बात है। तो मगर ऑल दो यहाँ पर जो है हाईवे जो है काफ़ी खूबसूरत है। जाहिर बात है फार्म हाउस होता है, एक फैमिली को अफोर्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसका जो है बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि भाई 2-3 फैमिलियाँ मिलकर कर लेती हैं, उसके अंदर आपका बजट भी लोड कम हो जाता है, खाने पीने में भी जाहिर बात है जो है डिवाइड हो जाता है चीज़ें, मतलब एक अच्छी इंजॉयमेंट हो जाती है फैमिली के साथ। तो टोटल कितना एक्सपेंस आया वो सारा भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और जो है अभी हम सबसे पहले जो है इस हाउस को जो है एक्सप्लोर करेंगे, भाई यहाँ पर क्या क्या फीचर हैं, किस तरीके से क्या रेट हैं वो सारा आपके साथ दिखाते हैं, क्या क्या शॉपिंग करी है, क्या क्या खाने पीने का सामान लिया है, कितना एक्सपेंस आया है इसके अंदर। तो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं इस घर को एक्सप्लोर करते हैं, इसमें फीचर क्या है। ओए होए ये मोहम्मद जुनैद साहब, वो अंदर का दिखाया। सबसे पहले इंटर होने के बाद ही जो है यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है, ये प्ले एरिया बना हुआ है, साथ जो है वो एक मजलिस है। मैं थोड़ा जस्ट अभी ओवरव्यू दे दूँ फिर उसके बाद जो है एक एक चीज़ एक्सप्लोर करूँगा। ये पूरा जो है आउटडोर है, यहाँ पर जो है एक बाहर स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये सारा जो है आउटडोर एरिया है, रात के अंदर स्पेशली जो है काफ़ी अच्छा लगता है। पहले मैं थोड़ा बाहर का ओवरव्यू दे दूँ फिर जो है आपको फिर जो है रूम वगैरह क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो सब दिखाता हूँ। तो साथ ही जो है ये अगर यहाँ पर बैठ के शाम वाम में आपको जो है चाय वाय वगैरह पीनी है तो यहाँ बैठ सकते हैं, और ये बैक यार्ड है एक तरीके से पीछे का हिस्सा है इनका, और इधर जो है उन्होंने पूरा बारबेक्यू का सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पर जो है आप आके सामान अपना लेके आएँ और बारबेक्यू वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं। ये बारबेक्यू का सेटअप वगैरह बना हुआ है, ये बैक साइड है, ये सारी जो इन्होंने घास ग्रास वगैरह जो आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह लगाई है जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन लगती है क्योंकि इसको मेंटेन करना तो डिफिकल्ट होता है, इसलिए इन्होंने ग्रास वगैरह जो है आर्टिफिशियल लगाई हुई है, प्लास्टिक की है। ये जो है बाहर जो है दो पूल बनाए हुए हैं, ये थोड़ा जो है डीप है वो थोड़ा कम है, और ये छोटे बच्चों के लिए है। खैर ये एक आउटडोर का है, शाम में यहाँ बैठ सकते हैं, दिन में गर्म हो रहा होगा, गर्म नहीं हो रहा, मौसम अगर वेदर अच्छा हो तो आप जो है सनबाथ ले सकते हैं, मगर अभी जो है सनबाथ की ज़रूरत नहीं है, पूरा जो है वो ऑलरेडी आपने कुछ ज़्यादा ही सनबाथ ले ली। खैर एनीवे ये सारे व्यू से सबसे पहले हम लोग चलते हैं किचन में, यहाँ से ये जैसे इंटर होते हैं इसके साथ ही जो है ये किचन मौजूद, चलते हैं किचन में। ये किचन है, ए सी वगैरह मैंने सब जगह के ऑन कर दिए थे,
ताकि जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। ये इन होने के बाद ये जो एरिया है पानी वगैरह ला के रख दिया ताकि जरूरत पड़ेगी। सारी चीज़ें जो है भी जो भी चीज़ें हमने ली थी वो सारी हमने ला के अभी स्टोर कर दिया किचन में। ये किचन का एक पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो किचन का ही है। क्रॉकरी वगैरह जो है, गैस वैस सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सामान वगैरह लेके आए और यहाँ पर स्टार्ट कर दें। तो खैर अभी हम लोगों ने सामान वगैरह ला के रख दिया है। तो भाई ये सारा किचन है, किचन से अभी हम लोग चलते हैं वापस बाहर आते हैं। अच्छा भाई ये ड्राइंग रूम बनाया हुआ है, ये देख लो स्क्रीन लगी हुई है, टीवी वगैरह आपको देखना है जो भी है यहाँ पर आप बैठ के देख सकते हो। सामने जो है सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, सोफे वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है डाइनिंग के लिए सामान वगैरह मौजूद। तो ये पूरा जो है काफ़ी बड़ा जो है पूरा जो है वो एक ड्राइंग रूम बना हुआ है और इसके साथ जो है वो एक अटैच वॉशरूम है। मेन जो है डेकोरेशन के वो कह लो पैसे हैं, अट्रैक्शन जो है सारी जहरपत इसी चीज़ की है, काफ़ी खूबसूरत और वेल मेंटेन करा हुआ होता है। तो खैर एनीवे अभी हम लोग ये ड्राइंग रूम से जो है वो थोड़ा बाहर चलते हैं और नेक्स्ट रूम दिखाता हूँ मैं आपको। एसी सारे चला दिए क्योंकि काफ़ी हीट थी, गर्मी बहुत थी ना, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट रूम में। ये है बेडरूम भाई, ओए 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 ओए, यहाँ पर डबल बेड लगे हुए हैं, दो डबल बेड लगे हुए हैं। तो मतलब दो तीन फैमिलियों के लिए इनफ होता है, आप जो है दो तीन फैमिली इजीली आ जाएं और जो है वो आपको इकॉनमी भी पड़ता है और बेस्ट रहता है। काफ़ी अच्छा बड़ा है बेडरूम है, इसके अंदर दो बेड लगे हुए हैं, साथ जो है वो अटैच वॉशरूम को भी काफ़ी अच्छा सा इन्होंने डेकोरेट करा था। ज़्यादा पता है अट्रैक्शन के लिए जब पैसे ले रहे हैं तो उसके आपको जो है सर्विस भी दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट जो है सिर्फ चीज़ पैसे ले रहे हैं और आपको जो है ना कोई सर्विस नहीं दे रहे, सर्विस भी दे रहे हैं आपको वेल क्वालिटी, मतलब काफ़ी खूबसूरत जो है वो पैसे लेते हैं तो उसकी अगेंस्ट जो आपको सर्विस भी देते हैं। ऐसा नहीं है चीज़ें जो है कुछ ख़राब हैं, बहुत सारी जगह पे होता क्या है ये होता है बास टाइम जो है आप चीज़ें ले लेते हैं मगर उसके बाद पता चलता है कोई चीज़ काम कर रही है कुछ नहीं कर रही, मगर ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज हैं, वेल मेंटेन है, बहुत प्रॉपर है। खैर ये बेडरूम था, बेडरूम के साथ अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूम में। वंस अगेन हम लोग आ गए सहन में, टेरेस में आ गए, टेरेस के बाद नेक्स्ट थर्ड रूम आता है। एक हमारा ड्राइंग रूम आ गया, एक बेडरूम आ गया, नेक्स्ट थर्ड रूम आया है। इस रूम में आने के बाद भाई दो रास्ते हैं, ये रास्ता जो है कॉमन वॉशरूम का है, ये जो है कॉमन वॉशरूम बनाया हुआ है, यहाँ पर जो है इन्होंने हाथ पाथ सिंक वगैरह बनाया हुआ है वॉशरूम के लिए। ये वाला जो वॉशरूम है ये जो है शावर वगैरह लेने के लिए है और ये कॉमन जो है हैंड वॉश, मतलब बाहर आप जो है सिंक वगैरह लगाया हुआ हाथ पाथ धो सकते हो। अच्छा एक इंडोर जो है लेडीज़ के लिए बनाया हुआ है, एक इंडोर स्विमिंग पूल बनाया हुआ है फैमिलीज़ के लिए, जो यहाँ पर फैमिलीज़ या बच्चे या जो भी है बहुत सारे लोग जो है इंडोर पसंद करते हैं क्योंकि बाहर गर्मी भी ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है पानी गर्म है। एक मिनट। अच्छा नेक्स्ट रूम हम लोग आए हैं, ये जो है हमारा नेक्स्ट रूम है। इस रूम के अंदर भी टीवी लगा हुआ है, काफ़ी एक बड़ा जो है बेड है। दो फैमिली के लिए तो बहुत है भाई, दो क्या मैं कहता हूँ, तीन चार भी फैमिली हो तो बहुत है, इनफ है। चार फैमिली आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इकॉनमी पड़ेगा। टोटल इसका कितना प्राइस पड़ा है, टोटल ऑल टुगेदर पूरे दिन का आपको कितना एक्सपेंस आ जाता है, अगर आपके साथ फोर फैमिलीज हैं तो कितना होगा वो भी मैं सब आपको डिवाइड करके बताता हूँ। खैर अभी ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ इस रूम का। ये देखो रूम भी, ये एक डबल बेड है। हाँ ओके। अच्छा इसके दो गेट हैं, एक कॉमन से भी है और एक आपके रूम से भी पूल का रास्ता निकलता है, मतलब लेडीज़ के लिए कह लें आप जो है कवर्ड पूल है उसका रास्ता है। अच्छा वंस अगेन हम लोग जा रहे हैं फिर सहन में कॉरिडोर में। गर्म है पानी? अच्छा पानी ज़्यादा पता है उन्होंने मेंटेन करा हुआ है, मोटर वगैरह लगाई हुई है। ये छोटे बच्चों के लिए पूल बनाया हुआ है, अगर यहाँ पर जो है वो बच्चे वगैरह बिल्कुल छोटे हैं तो वो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। साथ नेक्स्ट जो है इसके साथ इंटर होने का किचन है, ये ड्राइंग रूम है, इसके साथ एक कॉमन, इसके साथ जो है एक बेड है, फिर नेक्स्ट जो है ये भी एक बेड है और फिर ये वाला जो हिस्सा था ये हमारा कवर्ड जो है पूल था। ये जो है प्ले एरिया है, प्ले एरिया के साथ जो है इधर एक मजलिस होती है यहाँ पर। अच्छा स्पेशली रात के अंदर जो है ना ये फानूस और लाइटिंग वगैरह जो होती है उसका एक अलग चार्मिंग है, वो जब लाइट नाइट होगी तो हम बनाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मजलिस कहते हैं ये लोग सिटिंग एरिया को। मैं तो कहता हूँ कि अगर चार फैमिली तो कोई इशू ही नहीं है, ईजिली आप मतलब अगर आदमी ज़्यादा है आपके साथ तो आदमी यहाँ पर बैठ सकते हैं। फैमिलीज जो है अंदर तीन चार रूम है यहाँ बैठ सकता है। स्नोकर लगाया हुआ है यहाँ पर भी, एक दोबारा जो है सिटिंग बनाई हुई है, मतलब एक तरीके कॉमन एरिया बनाया हुआ है। ओए हो अच्छा कैरम बोर्ड भी है, कैरम बोर्ड है, टीवी है। फाइनली अब हम इसमें नहीं मारते, कारपेट फट जाएगा बेटा, इसके ऊपर बॉल के ऊपर मारते हैं। हाँ इसके ऊपर मारो, ये कारपेट ऐसे, हाँ बॉल के ऊपर मारो। इस तरीके से गल्फ के अंदर कल्चर होता है कि नीचे बैठ के खाना पीना और यहाँ पर सुकून से बैठ सकते हैं, लेट भी सकते हैं भाई, आराम से लेटो। तो खैर ये मजलिस है, यहाँ से भी हम लोग बाहर निकलते हैं। अच्छा यहाँ से जब बाहर निकलते हैं, ये जो है वही वाला बैक साइड का एरिया है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था शायद। हाँ सही, ये वही बैक साइड का एरिया है और सामने वही है बारबेक्यू,
जहाँ पर बारबेक्यू वगैरह हम लोग बना सकते हैं, शाम के अंदर देखते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये दिन के अंदर मैंने अगर इसको कवर कर लूँ, क्योंकि दिन के अंदर रोशनी अच्छी है, रात की जो लाइटिंग है, फिर रात की लाइटिंग के हिसाब से जो है इसका जो व्यू आता है वो हम उस वक्त देखेंगे। अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें, इसका जो टोटल एक्सपेंस आया है वो सिर्फ घर की मैं बात कर रहा हूँ, जो फार्म हाउस का 12 आवर्स के लिए है, 12 घंटे के लिए जो है इसको बुक करवाया है, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक 50 रियाल जो है इसकी कॉस्ट है। अच्छा, ये वीकेंड की मैं बता रहा हूँ, अगर वीकडेज में आएंगे तो डेफिनेटली आपको जो है कम भी हो सकता है, स्लाइडली 40-30 के इन बिटवीन भी शायद आपको ये मिल जाए। और अगर आपके पास छुट्टियाँ हैं, 2-4 फैमिलियाँ आ सकते हैं, तो वीकडेज में आ जाएँ, आपको और चीप पड़ जाएगा। तो अगर भाई 4 फैमिलियाँ हैं, 50 रियाल भी आता है, वीकेंड के ऊपर भी आते हैं, तो आपका जो है 10-12 रियाल एक बंदे के फैमिली का एक्सपेंस आता है सिर्फ, जिसके अंदर आप बहुत अच्छा से इंजॉय कर सकते हैं। जितना इसके फीचर्स हैं, पूल है, सर्विसेज हैं इनकी, और एक गेट टुगेदर हो जाता है फैमिली का। सो 10-12 रियाल जो है एक बंद फैमिली का एक्सपेंस आएगा। साथ ही साथ हम नेक्स्ट बात करेंगे खाने पीने की। अच्छा, खाने पीने का जो अभी हमने सामान लिया है, वैसे मैं रफली बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कुछ चिकन ली है। जब यहाँ पर आप लोग आएंगे तो घर पर बारबेक्यू तो वगैरह बनाता ही है बंदा, 4-5 जो है किलो चिकन ली है, बिरयानी वगैरह बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा किचन वगैरह भी सेटअप मौजूद है। तो उसका खर्चा हमने ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 7-8 किलो जो है वो चिकन ली है, और फिर कबाब वगैरह बनाने के लिए बारबेक्यू के साथ जो है तकरीबन 2 किलो कीमा लिया है। 10-12 किलो जो है अगर 4 फैमिलियाँ हैं इनफ होता है भाई, एक फैमिली जो है 2-3 किलो से ज़्यादा क्या खाएगी। और टोटल मैं एक्सपेंस बता रहा हूँ, जो हमने चिकन लिए है, कीमा वगैरह लिया है, और फिर जो उसके साथ सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं आप समझ लें, उसके लवाजमात जितने भी हैं, एक फैमिली जाके जो है शॉपिंग वगैरह कर लेती है, फिर उसको जो है बाकी फैमिली के साथ जो है वो डिवाइड कर लेती है। तो इस तरीके से जो है आपका खर्चा जो है और मज़ीद कम हो जाता है। तो ऑलमोस्ट जो है उसका एक्सपेंस जो आया है हमारा तकरीबन 30 रियाल तक जो है उसका खर्चा आया, तो मतलब 50 और प्लस 30 80 रियाल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है फिर छोटे मोटे पानी है, जूसेस हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ना फैमिली के हिसाब से, हर क्योंकि फैमिली अपने अपने हिसाब से जो है ना थोड़ा सा मैनेज कर लेती है, वरना लाने को तो एक फैमिली ला सकती है। आप ये समझ लें वो बेटा पाँव चल जाएंगे, बहुत गर्मी है, 100 से लेके 120 रियाल मैक्सिमम है, मैक्सिमम 120 रियाल मैं बता रहा हूँ, 120 रियाल मैक्सिमम है इसका जो है एक्सपेंस आएगा। 4 फैमिली मेम्बर हैं तो आपका ईच फैमिली मेम्बर जो है 30 रियाल के अंदर एक अच्छी पिकनिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आप लोग इंजॉय करेंगे, मतलब पूरा बच्चे वगैरह भी इंजॉय करेंगे, फैमिली भी अच्छी एक गेट टुगेदर हो जाएगी, जिसको आप काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। 30 रियाल के अंदर कोई बुरा नहीं है, 30 रियाल के अंदर जो है आप एक फैमिली जो है वो पूरा दिन जो है यहाँ पर स्पेंड कर सकता है। अगर रुकना चाहे तो उसका थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा है, तो अगर ये समझ लें अगर आपको यहाँ रात रुकना है तो 150 रियाल जो है इसका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा भाई। 120 पकड़ के चले, 30 रियाल ईच फैमिली के अंदर आप जो इतना ज़बरदस्त इंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी कुछ व्यू जो हम लोग रात में शूट करेंगे, क्योंकि रात जिस तरीके से होगी, फिर जो इसकी एक्टिविटीज़ होंगी, लाइटिंग है, जो पूल है, जो भी है, जो जो फीचर्स हैं मजीद, वो रात में मैं इसी के साथ एड ऑन कर दूंगा। A few moments later. तो यहाँ पर जो है अभी नाइट हो गई है, तो थोड़ा सा नाइट का इसका व्यू बनाते हैं, काफ़ी खूबसूरत है ओवरऑल, क्योंकि नाइट में ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि लाइटिंग वगैरह इन्होंने काफ़ी स्पेशल की हुई है लाइट के, नाइट के हवाले से, और जिस तरीके से अभी डार्कनेस होगी और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाएगी। देखिए भाई, ये मेन गेट है, नाइट में इसका व्यू और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके से डार्कनेस होगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मेन एंट्रेंस है, ये जो दोपहर में हम देख रहे थे पूल, अब जो है पानी और ज़्यादा अच्छा हो गया, ठंडा हो गया है। तो अभी जैसे जैसे रात हो रही है हम लोग जाएंगे बारबेक्यू वगैरह भी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है पूरा इनका बारबेक्यू का सेटअप है, और यहाँ पर जो है अभी हम लोगों ने बारबेक्यू वगैरह स्टार्ट कर दिया है, चिकन वगैरह डाल दिया है, और टेस्टिंग के तौर पे जो है कबाब डाला है। जैसे जैसे रात ज़्यादा हुई और ज़्यादा जो है वो फार्म हाउस जो है वो लाइटिंग की वजह से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो में, अनदर लोकेशन में, फ्रॉम मस्कत। भाई मिस्टर बीन जो है वेलकम करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं।